क्लास एंड कास्ट, आज हम जानेंगे क्लास और कास्ट के बीच के डिफरेंस। कास्ट को हम जाति भी कहते हैं और क्लास को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। अगर कास्ट की बात करें तो अ पर्सन बिलोंग टू सर्टेन कास्ट हैज टू फॉलो सर्टेन ट्रेडिशन रिचुअल्स एंड कस्टम। जो एक पर्सन एक सर्टेन कास्ट से बिलोंग करेगा उसको उस कास्ट के ट्रेडिशन रिचुअल्स और कस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हिंदू होगा तो हिंदू ट्रेडिशंस वगैरह, मॉमडन होगा तो मॉमडन ट्रेडिशंस वगैरह। अ पर्सन बिलोंग टू अ सर्टेन क्लास इज नॉट बाउंड टू कस्टम्स रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम क्लास की बात करें तो वहाँ पे पर्सन बाउंड नहीं है सर्टेन कस्टम ट्रेडिशंस वगैरह को फॉलो करने के लिए, बट कास्ट में वो बाउंड है। अगर कास्ट की बात करेंगे तो उसको हम जाति भी कहते हैं और क्लास की बात करें उसको हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं। अगर कास्ट की बात करें इट डिपेंड्स ऑन बर्थ। भाई आपने किसी हिंदू फैमिली में बर्थ लिया है तो आपकी कास्ट हिंदू मानी जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपने मुस्लिम में लिया तो आपको मॉमडन माना जाएगा। ऐसे ही अगर क्लास की बात करें तो डिपेंड ऑन सोशल सर्कमस्टेंसेस। आज आपके पास अच्छा खासा मतलब मनी वगैरह है तो आपका क्लास अच्छा माना जाएगा, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाओगे। बट नहीं है तो फिर आपको ठीक क्लास में नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये चेंज होता रहता है। और अगर कास्ट की बात करें तो वो रिजिड है। फॉर एग्जांपल मैरिज ईटिंग हैबिट्स में अगर हिंदुओं की बात करें तो काफ़ी लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, या फिर हिंदुओं की बात करें तो हिंदू है तो हिंदू से ही शादी करनी है, तो ये रिजिड होता है, कठोर होता है। बट ऑन द अदर हैंड क्लास रिजिड नहीं होता, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना। कास्ट की बात करें तो परमानेंट है, स्टेबल है। भाई अगर तुमने किसी हिंदू फैमिली में जन्म लिया तो तुम्हारी कास्ट हिंदू ही मानी जाएगी, परमानेंट है। बट ऑन द अदर हैंड क्लास हमारा परमानेंट नहीं है। आज आप पे पैसा हो सकता है, कल आप पे पैसा ना हो, तो ये चेंज होता रहता है, ठीक है ना। जो कास्ट होता है वो इनइक्वालिटी को प्रमोट करता है। भाई जातिवाद होता रहता है कि इसकी जाति अच्छी है उसकी जाति बेकार है, तो ये इनइक्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। ऑन द अदर हैंड अगर क्लास की बात करें तो वो डिस्पेयर करता है इनइक्वालिटी को, वो इतना प्रमोट नहीं करता है इनइक्वालिटी को, बट कास्ट काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है इनइक्वालिटी को आज के टाइम पे। अगर क्लास को जाने तो वो स्टेटिक है और क्लास हमारा डायनेमिक है, मतलब कि कास्ट जो है हमारा वो फिक्स टाइप है, बट जो क्लास है वो चेंज होता रहता है, उसका नेचर चेंज होता रहता है, ठीक है ना। अगर कास्ट की बात करें तो मैनी पॉलिटिकल फोर्सेस वर्क बिहाइंड द कास्ट सिस्टम। आज के टाइम पे सबको ही पता है जितने भी पॉलिटिक्स वगैरह ये सारे कास्ट के पीछे ही वर्क करते हैं। कि लाइक अगर इलेक्शन का टाइम आ गया, कभी वो हिंदू बन जाते हैं, कभी मॉमडन्स बन जाते हैं, कभी वो मस्जिद में जाते हैं, कभी वो मंदिरों में जाते हैं, तो ये जो मैनी पॉलिटिकल फोर्सेज होती है ना वो कास्ट के बिहाइंड ही वर्क करता है। बट क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, द क्लास सिस्टम इज नॉट एज पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स से काफ़ी अलग है। फोर्स टू फॉलो देयर एंशियंट ऑक्यूपेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। अगर कास्ट की बात करें तो काफ़ी जगह ऐसा देखा जाता है कास्टों में कि लाइक आपके फैमिली मेम्बर्स का बिजनेस है तो आपको ही बिजनेस करना चाहिए, या फिर आपके फैमिली मेम्बर हर बार आर्मी में या फोर्स वगैरह में जाते हैं तो आपको जाना चाहिए, तो उनको फोर्स किया जाता है। जो फैमिली का रिचुअल्स चलता आ रहा है ना काफ़ी टाइम से, जो परिवार का काम चलता आ रहा है उसी चीज़ को करने के लिए। बट क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, क्लास में पीपल्स फ्री है, वो कुछ भी चाहे कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। अगर कास्ट की बात करें तो कास्ट इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था, इसकी शुरुआत ही इंडिया से हुई थी। बट क्लास की बात करें तो ये वेस्टर्न ओरिजिन है, मतलब इसकी शुरुआत वेस्टर्न कल्चर से हुई है। बट कास्ट की बात करें तो इसकी शुरुआत इंडियन कल्चर से हुई है। तो ये था कास्ट और क्लास के बीच में डिफरेंस।